अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शास्त्रीकाल नमस्कार। आपका भाई राजू, आप देख रहे हैं राज ब्लॉग चैनल। प्लीज़ मेरा चैनल बनाए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को बजाना मत भूलना दोस्त। वीडियो बना रहा हूं और आप इस वीडियो में मेरी बहुत अच्छे से गौर करें। बम्बई हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया है। बम्बई हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिस फैसले में एक याचिका दर्ज की गई थी, मतलब एक याचिका दायर की गई थी बम्बई के लोगों ने, कि जो घर में कुर्बानी लोग करते हैं उससे बहुत गंदगी होती है, उससे बीमारी भी फैलती है और बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत होती है। मतलब ऐसी बम्बई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। तो बम्बई हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि घर में कुर्बानी ना करें, घर में कुर्बानी बिल्कुल ना करें। उसका जो खून होता है, मलबा होता है, वो सब लोग घरों में से नाली में बहा देते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हर धर्म के लोग रहते हैं। दरअसल बकरीद में हर एक मुसलमान भाई जिसके पास पैसे होते हैं वो कुर्बानी देता है, मतलब कुर्बानी करता है। जो चार जिसके चार पैर होते हैं वो उस पर कुर्बानी मुसलमान करते हैं। तो इसी बात को लेके बम्बई हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें एक याचिका दर्ज की गई थी बम्बई हाई कोर्ट में, उसको लेके उस याचिका में ये कहा गया था कि बम्बई में रोड पे और घरों पे और मोहल्लों में घर के अंदर कुर्बानी करते हैं ये लोग। उस कुर्बानी से हमें बहुत दिक्कत होती है और उन नालियों में खून और छोटे छोटे उसके बोटे करके उसको बहा देते हैं। तो दोस्तों मेरा आप इसे यही कहना है कि आप अपने घरों में कुर्बानी ना करें। एक धर्म स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा, ऐसा बम्बई हाईकोर्ट ने कहा है। वहाँ पर कुर्बानी दी जाएगी और वहाँ पर भी मतलब एक मुंशी पार्टी के दफ्तर से एक मतलब परमिशन ली जाएगी जो कुर्बानी करने के टाइम। तो दोस्तों वहाँ कुर्बानी होगी जो धर्म स्थल से 1 किलोमीटर दूर, एक ऐसा स्थल बनाया जाएगा जहाँ पे कुर्बानी होगी और वहाँ पर उसके मलबे को सब एक जगह इकट्ठा करा जाएगा। और कुर्बानी से पहले आपको म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर से एक परमिशन भी लेनी होगी कि मतलब ये। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कैसी नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो फ्रेंड्स देखते हैं बम्बई हाई कोर्ट का ये फैसला आप लोग किस तरह से निभाते हैं। अगर बम्बई हाई कोर्ट का ये फैसला है तो प्लीज़ आप उस फैसले को बहुत अच्छे से निभाइए और उसको पूरी तरह से समझिए पहले, और कोई भी किसी बात की भी दिक्कत ना होते हुए ये ईद का त्यौहार आप बखूब बहुत ही अच्छे से निभा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर बता दूँ, बम्बई हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो उस फैसले में कहा है कि आप अपने घरों में कुर्बानी ना करें, ना मोहल्ले में, ना ही रोड पे। एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर ग्राउंड हो और कुर्बानी की जगह हो, जहां पर सभी लोग कुर्बानी कर सकते हैं। और करने से पहले म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर में आपको जाके वहां से भी